If you have ever dreamed to start online coaching, this video is for you. This video can guide you what is a journey of an online coach and what can be the failures, what can be the success of an online coach. So if you are someone who is looking to be an online coach, this video is for you. Lots of love. हेलो विकास जी, कैसे हैं आप और आपका काम कैसे चल रहा है? हेलो सुभाजीत जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर कॉलिंग मी एंड मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा है। मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं एक डिजिटल एंटरप्रेन्योर हूं जो लोगों को डिजिटली आना ऑनलाइन कैसे आ सकते हैं उनको सिखाता हूं। जी तो आप आपसे कुछ अलग सवाल पूछते हैं स्टार्टिंग में। आपका नाम विकास है तो इस नाम का मतलब भी थोड़ा बताइए लोगों को। वैसे बहुत लोगों को पता है फिर भी क्यों इतना इंटरेस्टिंग नेम है विकास, मतलब ऑफ ग्रोथ कोर्स और विकास मीन्स ये ऐसा है कि जो सबका ख्वाहिश होता है डेवलपमेंट, इट मीन्स टू डेवलप। एंड हम सब के लाइफ में सब लोग चाहते हैं कि हम सब लोग डेवलप करें यानी आगे बढ़ें, उसी को विकास बोला जाता है, यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को जाने के लिए। जी। तो और सिंपल आप आपका नाम डेवलपमेंट, को प्रूफ भी कर रहे हैं, आप कॉन्टिन्यूअसली विकास कर रहे हैं अपने लाइफ में, तो अ रियल प्रूफ ऑफ योर नेम, सो वेरी ग्रेट। आपको मैं पूछना चाहूंगा कि जैसे कि आपका मैं वीडियोस देखता हूँ, बहुत बढ़िया होते हैं, तो थोड़ा बहुत आपके फील्ड का मुझे समझ आता है, फिर भी थोड़ा बहुत आप आइडिया दीजिए कि क्या आपका विजन है, क्या आपका मिशन है, किस लिए आप ये काम कर रहे हो जो आप कर रहे हो। ओके सुभाजी जी, एक्चुअली माय मिशन इज टू एम्पावर पीपल टू हु आर स्ट्रगलिंग टू कम ऑनलाइन। आई हेल्प दोज पीपल हु टू कम ऑनलाइन बट दे आर नॉट कमिंग ऑनलाइन ड्यू टू सम टेक्निकल लैक ऑफ टेक्निकल नॉलेज, एज फॉर एग्जाम्पल पब्लिक स्पीकिंग, वीडियो एडिटिंग एंड पर्सनैलिटी, देर आर मैनी सो थिंग्स। सो माई एम इज टू हेल्प पीपल टू बिकम वीडियो प्रिंटर। Great. Like I have also started with video editing and graphics designing. I have a little bit knowledge of that. But आप कैसे ये आगे बढ़ाए हैं, मतलब कैसे स्टार्ट किया, कैसे आपका जर्नी स्टार्ट हुआ था, जर्नी कैसे स्टार्ट मेरा हुआ था? जर्नी स्टार्ट हुआ है ये एक्चुअली पब्लिक स्पीकिंग सीखने से। शुरुआत से ही एक इच्छा था जब क्लास 10 12th में थे तभी से कि नहीं मुझे एक मोटिवेशनल स्पीकर बनना है, और वही इच्छा हमें आगे तक ले आया कि नहीं अब कुछ शुरू करना चाहिए, आखिर कैसे मैं मोटिवेशनल स्पीकर बन पाऊँ। यही कारण था कि मैं मतलब जो एक कन्वेंशनल जॉब है वो न करके मैं आ गया एंटरप्रेन्योरशिप में, और इसमें मैं करने लगा कि हाँ कैसे एक मोटिवेशनल स्पीकर बन सकते हैं। तो उसके लिए मैंने देखा कि सबसे पहले आपको पब्लिक स्पीकिंग आनी चाहिए, तो इसके लिए मैं कुछ पब्लिक स्पीकिंग कोर्स ज्वाइन किया, और उस जब कोर्स ज्वाइन किया तो उसमें बताया गया कि पब्लिक स्पीकिंग सीखने का सबसे आसान तरीका जो है वो है वीडियोज बनाना, क्योंकि ये पब्लिक स्पीकिंग ऐसा चीज़ है कि आप किसी को पकड़ कर नहीं ला सकते हैं कि आइए मेरे सामने मुझे सीखना है पब्लिक स्पीकिंग बोलने। जी तो ये इसका तरीका है कि आपके सामने मोबाइल फोन है, हम लोग पास स्मार्टफोन है, सोशल मीडिया है, तो उसको रिकॉर्ड कीजिए और ऑनलाइन डालना शुरू कीजिए, और यह एक जर्नी है, जर्नी के थ्रू आप ऑटोमेटिक पब्लिक स्पीकिंग सीख जाएंगे। तो इसी से हमारा वीडियो बनाना वहां से शुरू हुई। जैसे कि ये हमारा काम ही है लोगों को सिखाना, और एज पर आवर वर्क वी हैव टू स्पीक, एंड इसके लिए हमें पब्लिक स्पीकिंग सीखना ही है। हम कैसे सीखते हैं ये बहुत ही ज्यादा मैटर करता है, और आपने बताया कि वीडियो बनाते हुए सीखना सबसे बढ़िया तरीका था आपके लिए, तो ये मेरा भी खुद का एक्सपीरियंस है। जैसे कि आज मैं बोल पा रहा हूँ, मैंने 7 साल पहले वीडियो क्रिएशन स्टार्ट किया था। इट वॉज नॉट अ ग्रेट टाइम जिस टाइम पे मैं बच्चा वीडियो बनाता, सॉरी मतलब इस टाइम पे मैं अच्छा वीडियो नहीं बना पाता था। वीडियो वाज नॉट ग्रेट, टाइम वाज ऑब्वियसली ग्रेट, बिकॉज उस टाइम में मैंने स्टार्ट किया था, तो आज मैं यहाँ पे हूँ। सो थैंक यू फॉर दैट टाइम, सॉरी मेरे को वो मिस्टेक हो गया था। टाइम वाज ग्रेट बट माय कम्युनिकेशन लेवल वाज नॉट दैट ग्रेट। बट आज यही 7 साल में कंटिन्यूअसली, पहले मैं बंगाली में बनाता था, फिर मैं हिंदी में बनाने लगा, फिर अभी मैं इंग्लिश में बनाता हूँ कॉन्टेंट। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन था,
ये 7 साल में हुआ है, तो ऑब्वियसली वीडियो क्रिएशन मेरे लाइफ में भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट किया है। तो ये एक बहुत ही बढ़िया पॉइंट है जो हर किसी को सीखना चाहिए, कि अगर आपको वीडियो क्रिएशन सीखना एक अच्छा लगता है तो देयर इज अ हाई चांस आप बहुत जल्दी कम्युनिकेशन भी बहुत ज्यादा इंप्रूव कर जाएंगे। तो बहुत ही बढ़िया पॉइंट आपने बोला है, थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड द नेक्स्ट ऑफ क्वेश्चन कोर्स इज सुभज्योत जी, मैं यहाँ एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि जी मैं आपका वीडियो देखा हूँ और उसमें आपका कॉन्फिडेंस पूरी तरह से दिखता है, जी और मैं उस जर्नी को समझ सकता हूँ कि आप उतना पहले स्टार्ट किए, इसी की वजह से आप देखिए इस समय आप कंटिन्यूअस वीडियो बना रहे हैं आई थिंक लास्ट 35 या 45 दिनों से। तो यह एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि जो उतना स्ट्रगल नहीं किया रहेगा, जो उतना नहीं सीखा रहेगा, दो चार वीडियो बनाने के बाद हार मान लेता है, लेकिन जी आप रेगुलर वीडियो डाल रहे हैं ये हमारे लिए बहुत इंस्पायरेशन की बात है, और उससे हम भी आगे बढ़ते हैं। तो जी थैंक थैंक यू, यू आर रियली डूइंग अ ग्रेट यू वर्क। सो मच। और वन मोर थिंग आई वांट टू अपडेट कि मेरे इंस्टाग्राम में 1000 से ऊपर वीडियो हो चुके हैं, वाह वाह, कंग्रेट, 1000 से ऊपर वीडियो। ग्रेट थैंक यू सो मच, अचीवमेंट। थैंक यू सो मच। आज ही शायद हुआ, आज या कल 2-3 दिन में हुआ है, 2-3 दिन में हुआ है कि 1000 क्रॉस किया है बस रिसेंटली। उसमें एक ही दो पोस्ट होगा फोटो, बाकी सारा वीडियो होगा, तो वीडियो ही ज्यादा है। ग्रेट ग्रेट, कंटेंट वाह, कंटेंट भर भर के है, कोई भी हम लोगों के सोशल मीडिया, आपके सोशल मीडिया, मेरे सोशल मीडिया में आएंगे तो उनको भर भर के कंटेंट मिलेंगे, फ्री में कंटेंट मिल रहा है लोगों को। तो हर किसी को सोशल मीडिया से सीखना चाहिए। सोशल मीडिया इज ओनली फॉर एंटरटेनमेंट ये नहीं है, सोशल मीडिया इज लर्निंग पर्पस, फॉर अदर अदर थिंग, लाइक आपका ग्रोथ हो सकता है बिजनेस में आपका। जस्ट इमेजिन, कुछ लोग होते हैं सोशल मीडिया में घंटा 2 घंटा बिताते हैं एंजॉय करने के लिए, और कुछ लोग होते हैं वही घंटा 2 घंटा बिताते हैं, उन्हीं लोगों को ऐड दिखा देते हैं और भेज देते हैं। तो ऑफकोर्स ये है ऑफकोर्स, सोशल मीडिया का पावर, तो कैसे आप यूज करते हो वो मैटर करता है। और आप विकास जी, ये आप पक्के तरीके से यूज कर रहे हैं सोशल मीडिया को, यूज करके आप लोगों को इम्पैक्ट कर रहे हैं और ऑब्वियसली उससे पैसे भी कमा रहे हैं। तो आप थोड़ा बताइए कि आप कैसे अपने कस्टमर्स को या स्टूडेंट्स को वैल्यू देते हैं। ऑब्वियसली आपका कस्टमर बोलना सही नहीं रहेगा, स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स को कैसे आप वैल्यू देते हैं। मेरा वैल्यू देने का तरीका है कि पहले मैं जो कंटेंट बनाता हूँ वहां से एक तरह से लोग मुझे जानने लगे, और जब लोग मुझे जानने लगते हैं तो लोगों को मेरे ऊपर विश्वास होने लगता है, और उससे फिर मैं अगर कोई जैसे प्रोडक्ट लेके आता हूँ तो उनको वो भी जानकारी देता हूँ। तो जैसे मैं एक वीडियो एडिटिंग का कोर्स लेकर आने वाला हूँ, तो उसके बारे में भी वहाँ मैं सोशल मीडिया पर जानकारी दूंगा। तो जैसा कि मैं कंटेंट बनाता हूँ, मेरे पास पहले से ऑडियंस है, तो लोग पहले से कन्विंस है कि हाँ ये बंदा वीडियो बनाता है और तब वीडियो बनाने सिखा सकता है। तो जो लोग फिर वहां से इंटरेस्टेड होते हैं वो हमारे पेज पर आते हैं, पेज पर आने के बाद फिर जाके वो फिर बाय करते हैं, यही प्रोसेस चलता है इसी तरह से। और वैल्यू की बात हुई तो मेरा अभी आने वाले समय में पब्लिक स्पीकिंग कोर्स लाने वाला हूँ, और फिर पर्सनालिटी डेवलपमेंट लाने वाला हूँ। तो जो भी मेरे लोग मतलब मुझे जो फॉलो कर रहे हैं उन्हें कंटिन्यूअस एक तो सोशल मीडिया के थ्रू अब वैल्यू मिलता है, और दूसरा जो लोग हमें सब्सक्राइब करते हैं, हमें जा करके मतलब हमारे कोर्स ज्वाइन करते हैं, उससे उनको और आगे वैल्यू मिलता है आगे बढ़ने के लिए। जी समझ पा रहा हूँ। तो लोगों के लिए मैं एक ऑफर देना चाहता हूँ, इधर जो भी लोग ये वीडियो देखेंगे, ये आपका जो नॉलेज है वो बहुत ही वैल्यूएबल है। आप अगर चाहते हैं तो मैं ऑफर दूंगा, आप अगर अप्रूव करें। मंक एजुकेशन हमारा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम लोगों को सिखाते हैं। तो इसके लिए, लोगों के लिए हम एक फ्री मास्टर क्लास बनाना चाहते हैं जहाँ पे वो लोग एक बेसिक आइडिया लेंगे कि कैसे ये उनके लाइफ में ग्रोथ दे सकता है, कैसे वो लोग वो स्टेप ले सकते हैं कि हाँ मेरे को सीखना है तो मेरे को ये स्टेप फॉलो करना है, मेरे को ये इक्विपमेंट्स चाहिए, कितने कम खर्चे में हो सकता है। क्योंकि हम लोग सोचते हैं, बहुत लोग सोचते हैं कि बहुत खर्चा होता है, लेकिन उतना ज्यादा खर्चा भी नहीं होता है। लोग 10-15 हज़ार में भी एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और करोड़ों में भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो कैसे करना है ये पब्लिक स्पीकिंग जर्नी, पर्सनैलिटी डेवलप करना है, धीरे धीरे बोलना है, ये अगर आप अगर अलाउ करें तो मैं ये करना चाहता हूँ, आप बताइए करा जाए। या ऑफ कोर्स, मैं तैयार हूँ, मैं तो उसी जर्नी पे हूँ ही, तो जी, मैं तो खुद ऐसा तो कुछ एक कोर्स मास्टर लेके क्लास जाना देंगे चाहता। और उसमें अपग्रेड वर्जन होगा, अगर वो आपसे फर्दर सीखना चाहे, बहुत डिटेल में सीखना चाहे कैसे करना है, वीडियो एडिटिंग कैसे करना है, प्रेजेंट कैसे करना है,
उसके लिए हम लोग उनके लिए ऑप्शन देंगे कि पेड कोर्स का, बट उससे पहले उनको फ्री मास्टर क्लास दिया जाएगा, वो सबके लिए अवेलेबल होगा, सबके लिए। तो फिर ये हमें गूगल फॉर्म डाल देंगे, लिंक डाल देंगे, जिसमें वो लोग अपना फिल करेंगे, फिर अगर कुछ लोग हुए तो हम वो स्टेप लेंगे, हम देखेंगे कितने लोग इंटरेस्टेड है, उस हिसाब से हम स्टेप लेंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर दिस थिंग, क्योंकि आप भी वही जर्नी में हो जो हम कर रहे हैं, वैल्यू एडिंग जर्नी। तो थैंक यू सो मच, एंड शायद उसी में से कुछ स्टूडेंट्स निकल के आएंगे जो हमारे ही पॉडकास्ट में फिर से आएंगे और बोलेंगे कि उस टाइम पे मैंने स्टेप लिया था, इसलिए आज मैं इधर हूँ। तो बहुत ही बढ़िया चीज होगा सबके लिए। तो आप क्या वैल्यू अपने स्टूडेंट्स को दे रहे हैं जिससे उनके लाइफ में फाइनेंशियली इम्प्रूवमेंट आता है, जैसे कि वो पैसे कमाने लग जाए, ऐसा कुछ इम्प्रूवमेंट आता है? एक्चुअली ये जो स्किल है आज का कहा जा रहा है, तो ये 21st सेंचुरी का स्किल है, लाइक वीडियो एडिटिंग, पब्लिक स्पीकिंग। आज के अगर देखा जाए तो जिसको पब्लिक स्पीकिंग आ गया है, तो उसको किसी भी फील्ड में जाए वो मतलब अपने आप को मोनेटाइज कर सकता है। ये एक तो वीडियो तो है ही कि आप वीडियो के थ्रू यूट्यूब या कोई और प्लेटफॉर्म पे अपना अर्निंग शुरू कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा भी जैसे आप एक जॉब ही करने जा रहे हैं, तो वहाँ एक बंदा जो अपने आप को ज़्यादा एक्सप्रेस कर पाएगा, वह अपने आप को इंटरव्यू में जल्दी सेलेक्ट होने का चांस बढ़ जाता है। इसी तरह से अगर वो कहीं ऑफिशियल वर्क कर रहा है, तो अपने बॉस को ज्यादा अच्छे से इम्प्रेस कर पाएगा, क्योंकि उसके पास कम्युनिकेशन स्किल है। वह अपने आप को जो भी वह बताना चाहता है उसको अच्छे से एक्सप्रेस कर पाएगा। तो ये जो कम्युनिकेशन स्किल है, ये हर एक पार्ट में आपको काम आएगा, आप चाहे स्कूल में हो, कॉलेज हो, या बिजनेस में हो। जैसे बिजनेस में हो तो आपको भी कन्वेंस करना पड़ता है आपके प्रोडक्ट बेचने के लिए, तो वहां आपके कम्युनिकेशन स्किल काम आएंगे। यदि आप किसी को प्रपोज करने जा रहे हैं, तो वहां भी ये कम्युनिकेशन इसके लिए काम आते हैं, जिस तरह से आप बोलते हैं, जिस तरह से आप उनके सामने अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। तो कम्युनिकेशन स्किल ऐसा है जो हर एक तरह आपको लाइफ के हर एक क्षेत्र में आपको हेल्प करेगा। इस तरह से ये मोनिटाइज होता है, एक इनडायरेक्टली कहा जाता है। उन्हें तो डायरेक्टली है कि जैसे अगर आप वीडियो एडिटिंग सीख जाते हैं, तो वीडियो एडिटर बन सकते हैं, या यूट्यूब पर आप अपना कोई भी वैल्यूएबल चैनल बना के मोनिटाइज कर सकते हैं। तो ये सब तरीका है हमारे कोर्स से सीख करके आगे बढ़ने का। आपके पास नॉलेज कितना है, ये कैसे किसी को पता चलेगा? जब आप उसको एक्सप्रेस करना जानेंगे। जी जैसे आपके सामने इंटरव्यूअर है, आपको सब कुछ आता है, लेकिन जब आप उसको सिर्फ एक्सप्रेस ही नहीं कर पाएंगे, इंटरव्यूअर को वो चीज बता ही नहीं पाएंगे, तो इंटरव्यूअर कैसे जानेगा कि आपको आता है? तो नॉलेज को एक्सप्रेस करना जी कम्युनिकेशन स्किल बताता है। जब आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा रहेगा, तो आप उसको इतने अच्छे तरह से एक्सप्रेस कर पाएंगे कि इंटरव्यूअर ऑफकोर्स आपसे इम्प्रेस हो जाएगा। लेकिन जब कम्युनिकेशन स्किल अच्छा नहीं रहेगा, तो नहीं बता पाएंगे। अक्सर हम लोग अपने जैसे बचपन में क्लास वर्स में देखे होंगे कि जैसे ही हम लोग को टीचर खड़ा करते थे, जैसे कोई क्वेश्चन आता है हमें, लेकिन जैसे ही खड़ा करते थे भूल जाते थे। तो ऐसा इसलिए होता था क्योंकि हमें क्लास में खड़े होकर बोलने का आदत नहीं था। जी और ये लैक ऑफ कम्युनिकेशन स्किल है। जब हमको एकदम अच्छे से आदत रहेगा, तो हमेशा क्लास में खड़े होकर बोलते रहेंगे, तो ऑफकोर्स टीचर खड़े करेंगे और आसानी से हम उसको एक्सप्रेस कर पाएंगे। और कई बार आपके साथ भी ऐसा भी हुआ होगा कि आपको वह क्वेश्चन आता रहता है, तब भी आप नहीं बोल पाते हैं, क्योंकि आपको डर लगता है अंदर से। तो ये है पावर कम्युनिकेशन स्किल का, कि अगर थोड़ा सा भी आता रहेगा, तो कम्युनिकेशन स्किल आपको उसमें चार चांद लगा देगा और आपको और ऊंचाइयों तक ले जाता है। जी और मैं आपको अगला क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि आपका बचपन से जर्नी कैसा रहा, मतलब धीरे धीरे आप जो कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव किए हैं, आपका जो पब्लिक स्पीकिंग का हो गया, फिर प्रेजेंटेशन स्किल का हो गया, आप प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छे करते हैं, फिर आप जो ये जर्नी है यूट्यूब में वीडियो बनाने का, आप जो टीचिंग करते हैं, ये जर्नी बताइए थोड़ा बचपन से कि कैसे आप टीचिंग में इस फील्ड में आ गए? एक्चुअली मैं एजुकेशन से बीटेक हूँ, और 2016 में बीटेक किया। उसके बाद मेरा सपना था कि अपना बिजनेस जैसा शुरू करें, तो पेरेंट्स से हेल्प किए और मैं एक स्कूल खोला था। तो लगभग 2 साल स्कूल चला, कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम के कारण लगभग 120 बच्चे भी थे, उसको बंद करना पड़ा। तो जब बंद हुआ, तो फिर अब उसके बाद समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि फाइनेंशियली एकदम घर से टूट चुके थे। तो उसके बाद मैं बहुत कुछ ट्राई किया, जैसा कि ऑनलाइन वेजिटेबल सेल करने का ट्राई किया, वो भी फेल हुआ। और उसके बाद मैं कोशिश किया कि नहीं, चलो ये कन्वेंशनल बिजनेस, जैसे गोट फार्म चलाते हैं, तो मेरे पिताजी ही कुछ रखे थे, मैं सोचा कि अब उसी में इन्वॉल्व हो जाते हैं। लेकिन उसमें भी मैं किया तो हमको मज़ा नहीं आया। फिर तो
तो उसको भी छोड़ दिया। फिर चाहा कि जैसे आयुर्वेदिक मेरा फॉर्म है घर पे ही, आयुर्वेदिक फॉर्म में चलाते हैं, तो वो भी मजा नहीं दिया। तो क्या होता है कि मैं फिर समझ में आया कि मुझे वो चीज करना चाहिए जो हमें पसंद है, जो हमको दिल को अच्छा लगता है। तो हमें क्या था कि शुरुआत से ही जैसा कि हमने बताया कि नहीं, हमें मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहते थे, तो इसके ऊपर मैं फिर शुरू किया कि वीडियो वीडियो बनाया जाए। तो जब वीडियो बनाने के लिए कैमरा उठाया तो फर्स्ट टाइम हमारा यूट्यूब वीडियो जाकर देख सकते, एकदम जैसे कांपते हुए वीडियो बना। तो मुझे धीरे धीरे समझ में आया कि जाकर हम कम्युनिकेशन स्किल हमको सीखना चाहिए। देखिए, एक तो ऐसे हम बैकग्राउंड से हैं कि हमको आज तक जैसे बीटेक तक ये नहीं पता चला कि कम्युनिकेशन स्किल क्या होता है, ये हमारे लाइफ में क्यों जरूरी है। जब मैं वीडियो वीडियो बनाना शुरू किया, जब इंटरनेट के कॉन्टेक्ट में फिर आया, तब जाकर पता चला कम्युनिकेशन स्किल बहुत जरूरी है और ये सीखा जा सकता है, और इसका सीखने का तरीका क्या है उस समय पता चला। तो फिर जाकर के मैं कोर्स ज्वाइन किया और उसके बाद वीडियो बनाना शुरू किया। तो डे बाय डे हमेशा इच्छा रहती थी कि नहीं, कुछ न कुछ लोगों के सामने हमेशा पहुंचता रहे, ये हमको अच्छा लगता है। तो इसीलिए वहां से वीडियो बनाना शुरू हुआ, और बहुत गैप भी हुआ बीच में, लेकिन फिर कंटिन्यू रहते हैं और आज के दिन पे अच्छा लगभग रेगुलर वीडियो आ रहा है। थैंक यू सो मच ये जर्नी शेयर करने के लिए, क्योंकि बहुत लोग ये फर्स्ट तो दो चीज मैं इधर पॉइंट डाउन करना चाहूंगा। फर्स्ट, लोग स्टेप नहीं लेते सही से, एक दो वीडियो बनाते फिर छोड़ देते, कोई कोई एक दो पोस्ट अपलोड करते फिर छोड़ देते हैं। जैसे कि मैंने बोला मेरा 1000 से ऊपर हो गया, आप भी कंटिन्यूअसली पोस्ट करते रहते हो, तो हम लोग कर रहे हैं इसलिए इम्प्रूव कर रहे हैं। तो करना, दिस इज द फर्स्ट स्टेप कि आप करते रहो। सेकेंड स्टेप, आप कहीं से सीखो, आप कोई मेंटोर लो, जिसका अपॉर्चुनिटी हम देंगे लोगों को कि वो एक फ्री मास्टर क्लास ले सकते हैं, जहाँ पे वो लोग इन डिटेल बेसिक सीख सकते हैं कि ये स्टेप होना चाहिए आपका एक ब्रांड बनाने के लिए। आपका एक बिजनेस खड़ा करो या जॉब करो, आपको बोलना है, इंटरव्यू में भी आपको बोलना है, आपको बिजनेस करना है तब भी आपको क्लाइंट लेना है तो बोलना है, दोनों में ही बोलना है, दोनों में ही आपको एक्सप्रेस करना है। लैंग्वेज इज द फर्स्ट थिंग, जिससे हम दूसरे क्रिएचर्स जो भी है, जो दूसरे चीजें जो भी है उससे अलग है। पशु पक्षी आप बोल नहीं पाते, पेड़ पेड़ पौधे बोल नहीं सकते, बस इंसान बोल सकते हैं। इसी एक चीज के लिए हम लोग टोटली अलग हैं, बोल सकते हैं, इसलिए हम लोगों ने इम्प्रूव किया, इसलिए हम लोगों ने दिमाग का इस्तेमाल किया। हम लोग बोल सकते हैं इसलिए हमें बोलने का मौका मिला, और वो लोग अगला लोग समझे, दोनों मिलके समझ के फिर हमने दिमाग का इस्तेमाल किया। अगर बोल ही नहीं पाते तो दिमाग का इस्तेमाल नहीं हो पाता। हमारे पास लैंग्वेज है, यही हमारे सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है, तो इसको सीखना है, कहीं ना कहीं सीखना है। ये वो हमारे पास भी आप लोग सीख सकते हो, या कहीं भी आप लोग सीख सकते हो, लेकिन सीखना जरूरी है। तो ये दोनों पॉइंट मैं आप सबको बताना चाहता हूँ जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। ये बहुत ही जरूरी चीज है कि आप एक तो कंटिन्यू करो एंड सीखो। मेंटर इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जो चीज सीखने में, सोचिए कि मेरे को 7 साल लग गए इधर पहुंचने में, अगर मेरे को उस टाइम पे कोई मेंटर मिल जाता, 7 साल नहीं लगते, आज तक मैं और भी आगे पहुंच जाता, 7 साल में मैं और भी आगे पहुंच जाता। लेकिन उस टाइम पे कोई मेंटर था नहीं, अवेलेबिलिटी नहीं था, उस टाइम पे इंटरनेट ही उतना फेमस नहीं था इंडिया में कि मैं इंटरनेट से ही सीख लूँ, कोई फ्री में भी सीख लूँ। फ्री में भी ऑप्शंस कम थे बहुत, लेकिन अभी फ्री में भी बहुत ज्यादा ऑप्शन है, पेड में भी बहुत ज्यादा ऑप्शन है, तो लोगों को सीखने का अपॉर्चुनिटीज है। तो आपको मैं ये पूछना चाहूंगा विकास जी, कि आपको मैंने पूछा भी नहीं था ये, लेकिन आपने अपना फेलियर की जर्नी भी बता दिया कि आपने जो जो काम किया था, जैसे ऑनलाइन ग्रोसरी वाला हो गया, फिर अलग अलग दो तीन किया था, उससे आपने क्या सीखा ये आप बताइए, क्योंकि फेलियर वाला क्वेश्चन मेरे में था बट आपने पहले ही बता दिया। तो इसमें आप क्या सीखे जो आज आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो, इसमें कुछ तो पॉइंट होगा जो आपने सीखा। फेलियर से भी हम कुछ ना कुछ सीखते हैं, तो आपने क्या सीखा और इम्प्लीमेंट किया मेरे को थोड़ा बताइए प्लीज। या मैं एक टॉपिक पाता हूँ, उससे पहले जैसा कि आपने बोला कि ऑफ कोर्स जो आदमी सीखते हैं इवोल्यूशन से, जैसे कि मैं एक बुक पढ़ रहा था सेपियंस, तो सेपियंस क्या हुआ कि हम लोग, जैसा कि आपने इस बात पे बात किया कि ह्यूमन क्यों इतना आगे है, जी जानवर भी हैं हमारे साथ में, पृथ्वी पर और सब है, लेकिन ह्यूमन इसलिए आगे है, उसमें कंक्लूजन ये निकला कि क्या है कि ह्यूमन अपना नॉलेज एक दूसरे को ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसा कि एक डॉग, मान लीजिए डॉग को कुछ पता चला कि वहां डॉग गया और उसे कुछ वहां खतरा पता चला किसी जगह पे,
लेकिन वो आ करके वो उस तरह से बता नहीं सकता है कि वहां पर ये काम करना इससे खतरा है। ह्यूमन क्या था कि नॉलेज था, हम लोग पास ये लैंग्वेज है, इस लैंग्वेज के थ्रू हम एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में अपना ट्रांसफर कर सकते हैं नॉलेज, इसलिए हम बहुत आगे बढ़े। जैसा कि आपने जो बताया कि मेंटर, ऑफ कोर्स लाइफ में मेंटर का बहुत जरूरी है होना, क्योंकि मैं भी इस चीज को कमी समझता हूँ कि मेरे लाइफ में अगर पहले मेंटर आ रहा था तो मैं बहुत आगे रहता। क्या होता है कि देखिए एक रास्ता है, एक जगह पहुंचना है हमको, उस जगह पे ऐसे घूम घाम के पहुंचिए। मेंटर क्या बताएगा कि ये सीधा रास्ता है, इस पर अगर जाएंगे अगर इसमें चलोगे तो एकदम सही तरीके से पहुंच जाओगे। तो मेन लाइफ में मेंटर होना बहुत जरूरी है, अगर नहीं है तो आप अफसोस भुगतेंगे, इस तरह वहां पहुंचे लेकिन बहुत समय लगेगा, लेकिन मेंटर रहेगा तो आप जल्दी पहुंचेंगे। तो मैं आता हूँ आपके क्वेश्चन पे कि आखिर क्या सीखा। पापा सुबह जी, लाइफ में कुछ भी होता है आदमी सीखता है, कई बार लोग हार जाते हैं जैसे फेल हो जाते हैं तो लोग सोचते हैं कि नहीं एकदम व्यर्थ गया, लेकिन कहा जाता है ना कि कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता है। यही हुआ हमारे साथ, जैसा कि मैं बताया कि मैं ऑनलाइन वेजिटेबल सेलिंग के लिए कोशिश किया था, तो उसके लिए मैं क्या किया, उसके लिए मैं अपने लाइफ में पहला बार डोमेन लिया, उसके लिए पहला बार मैं वेबसाइट बनाया, पहला बार फील्ड में निकला और लोगों से बात किया, उन लोगों से मिला क्या दिक्कत आ रहा है, कहाँ से कैसे सामान डिलीवर होगा और कहाँ कोई दिक्कत आ रहा है। तो ये जो नॉलेज है जैसे वेबसाइट बनाने का, लोगों से जाकर मिलकर बात करने का और जानने का और समझने का, तो ये हमारे लाइफ में बाद में भी काम आया। एक बार हमको एक्सपीरियंस हो गया था कि वेबसाइट कैसे बनता है, कोई भी वेबसाइट पर बनाकर किसी चीज को कैसे सेल करते हैं, तो ये हमारा हमारा जो कॉन्फिडेंस है आगे की बढ़ा दिया। आज भी जब भी हम वेबसाइट बनाते हैं तो उसी कॉन्फिडेंस से हमको इस समय आया कि नहीं यार यार मैं वेबसाइट बना चुका हूँ, मैं कर सकता हूँ, अब वेबसाइट है मेरा। तो कहा जाता है ना कि जो एक जर्नी है, हो सकता है आप उसमें नहीं वहां तक पहुंचे, लेकिन वो जर्नी आपको बहुत कुछ सिखा जाती है। तो इसी तरह से जो भी हम ये किए उसे कुछ ना कुछ सीखते गए, जैसे अभी ऑनलाइन वेजिटेबल सेलिंग किए तो उसे कुछ नहीं सीखे, लेकिन तब पर भी वेबसाइट बनाने सीखे थे। इसी तरह से जैसे स्कूल मैंने बताया था उसमें हमको कम्युनिकेशन स्किल के इम्पोर्टेंट पता चला, तो हर एक चीज से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। जैसे हमने स्कूल खोला तो उसमें लोगों को कैसे मैनेज किया जाए ये हमें पता चला कि आखिर लोग कैसे, आखिर जैसे मुझे पता था कि जो चीज ट्रूथ है मैं किसी के मुंह पे भी कुछ भी बोल देता था, लेकिन बाद में हमें पता चला कि नहीं लोगों को जो कमियां हैं उनसे केवल अकेले में बताइए, लेकिन लोगों की जो अच्छाई है उन सबके सामने बताइए। तो ये ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में पता चला, तो हर एक चीज करने से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है इस वजह से। जी, बहुत ही बढ़िया था ये वाला, क्योंकि ये मैं हर लोगों को बताना चाहता हूँ कि फेलियर इज नॉट समथिंग जो आप फेलियर सोचते हो। फेलियर इज समथिंग जब आप उस फेलियर से कुछ नहीं सीखते हो, वो आपका एक सीख बन जाता है जब आप उससे फेलियर ना सोच के उससे कुछ सीख लेते हो। तो ये मैसेज है हम लोगों का कि जब आप किसी चीज में फेल होते हो तो ये ना सोचो कि मैं इसमें फेल हो गया, ये सोचो कि इसमें से मैंने क्या सीखा, इसमें से मैं क्या ले सकता हूँ, इसमें से मैं क्या हटा सकता हूँ अगले बिजनेस में, अगले काम में, क्या मेरे को नहीं करना है, क्या करना है वो तो ठीक है, क्या नहीं करना है वो हमें पता चल जाता है। कि एक मैंने स्टोरी सुना था, जो थॉमस एडिसन थे वो बल्ब का आविष्कार किए थे, तो उनका 990 टाइम या कुछ एक टाइम था, मेरे को एग्जैक्ट नंबर अभी याद नहीं, उतने टाइम उनका फेलियर हुआ था। तो उनको किसी ने पूछा था कि आपको इतनी बार फेलियर होके भी आपको कभी नहीं लगा कि मैं छोड़ दूं? उन्होंने बोला नहीं, क्योंकि मेरे को पता था कि ये 99 वेज है जिसमें मेरे को फेलियर मिलेंगे, इसमें मेरे को नहीं करना है फिर से। तो ये मेरे को बहुत ज्यादा इंस्पायर किया था उस टाइम पे। सो हर एक फेलियर एक स्टोरी होता है जो आपको सिखाता है कि ये नहीं करना है। ऑफकोर्स ये आज ही मैं एक पॉडकास्ट सुन रहा था संदीप महेश्वरी जी का जो नया नया अभी आया है, उसमें एक चीज बताया गया था कि जैसे मान लीजिए कोई गेट का प्रिपरेशन कर रहा है, ठीक है गेट एक एग्जाम है तो उसका कोई प्रिपरेशन कर रहा है, मान लीजिए आईएसपीसीएस जो भी प्रिपरेशन कर रहा है, वो एक लाइन है जब तक उसको लोग क्रॉस नहीं कर लेते तब तक वो फेल होते हैं। जैसे आप आईएएस का प्रिपरेशन कर रहे हैं, आईएएस अगर आपसे नहीं निकला तो आप फेल हैं, लेकिन लोग इस चीज को नहीं समझते हैं कि जैसे आईएएस यदि आपसे नहीं भी निकला उसको तैयारी करने में जो आप बन जाते हैं, बस आप आईएएस का नाम नहीं लगा है आपके ऊपर, लेकिन उससे जो आपको नॉलेज मिला है बड़ी चीज होती है।
इसीलिए जो होता है कि आप फेलियर का चिंता ना करें, जो भी आप है अपनी एम करना शुरू करें। जैसे एक क्या नाम है, सुनिए देसाई जी का एक बहुत ही अच्छा डायलॉग है, मुझे याद आ रहा है कि आप चांद पर जाने की कोशिश करो, आप चांद पर जाने की कोशिश करो, यदि चांद पर पहुंच भी ना पाए तो कोई बात नहीं फ्रेंड्स, आप पृथ्वी से बहुत ऊंचा उठ चुके होंगे, और क्या पता यदि थोड़ा और कोशिश करोगे चांद पर भी पहुंच जाओगे। तो ऑफकोर्स जब लोग कोशिश करते हैं तो कुछ ना कुछ बदलाव जरूर आता है, या जब लोग मान के ही बैठ जाएंगे नहीं मैं फेल होना नहीं करूंगा, उससे कुछ नहीं मिलने वाला है। जो लोग कोशिश करते हैं वो कुछ ना कुछ जरूर हासिल करके ही आते हैं, भले से वो फेल हो गए तो कैसे। एग्जाम्पल बहुत बढ़िया था ये वाला। और मेरे को एक चीज अभी याद आया कि कभी किसी ने ऐसा बोला था कि जो लोग, आपने एग्जाम्पल एग्जाम का एग्जाम्पल लिया ना कि गेट एग्जाम दिया तो वो फेल हो गया, तो ये हो गया वो हो गया। मेरे को एक एग्जाम का याद आया कि कोई बंदा, ये स्टोरी है असली नहीं है, कोई बंदा सुसाइड करने जा रहा था क्योंकि कोई एग्जाम में फेल किया है, मे बी बीटेक वगैरह या किसी में फेल किया है। तो उसका एक दोस्त आके बताया कि ठीक है तो सुसाइड कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, बट एक ही चीज है, अगर सुसाइड कर लिया तो फिर से जूनियर से पढ़ना पड़ेगा, फिर 15-20 साल बाद यही एग्जाम देना पड़ेगा। चाहता है या अभी अगले साल फिर से यही एग्जाम देना है? बोला तो नहीं, ये एग्जाम देना है, अगले साल मैं जी रह लूंगा, तो अगले जन्म में फिर से देना, इससे अच्छा इसी जन्म में कोशिश कर लो। ये बहुत ही बढ़िया मेरे को सिखाया था कि हाँ बात तो सही है, फिर से पहले पैदा हो, फिर से सारा एग्जाम दो, उससे अच्छा तो जितना क्रॉस कर चुके हो कर लिए हो, अभी नया एग्जाम दो, वही अगली बार दे दो, कोई दिक्कत नहीं। ओके, आपके लिए क्वेश्चन है, मनी फेम और लव, तीनों में कोई एक चूज करना पड़ेगा, तो क्या चूज करेंगे? सॉरी प्लीज रिपीट इट। मनी फेम और लव, इस तीनों में आपको कोई एक चूज करना है, तो आप क्या चूज करेंगे? मनी फेम और लव। एक्चुअली मैं सुन नहीं पा रहा, मेरा ये नया नया लैपटॉप है और इसमें पता ओके, कोई नहीं दिक्कत ये नहीं, मैं नॉइज और एक बार बता रहा कैंसलेशन हूँ। लगा है कि क्या पैसा, लगा है। पैसा, मनी, पैसा, फेम, फेमस होना, फेमस होना, या फेमस या और लव, प्यार, इस तीनों में लव, आपको कौन सा चूज मनी करना है? हाँ, या मनी फेमस एंड लव, तो कौन सा आपको चूज मनी करना है? फेमस एंड लव। ऑफ कोर्स इट इज वेरी ट्रिकी बट आई वुड लाइक टू सेलेक्ट लव। ओके, रीजन? आई आई विल गिव इट रीजन व्हाई आई सेलेक्टेड इट, बिकॉज इफ यू हैव लव यू आर कंटेंट बाई इनसाइड, एंड वेन यू आर कंटेंट फ्रॉम योर इनसाइड देन यू मे वर्क सिमलेसली। एज फॉर एग्जाम्पल इफ एनी वन इज फ्री ऑफ ऑल द थिंग्स, इफ यू हैव इट मीन्स इफ यू हैव लव देन यू विल फील हैप्पीनेस फ्रॉम योर इनर साइड, एंड इफ यू हैव हैप्पीनेस फ्रॉम योर इनर साइड देन यू वर्क इट मीन्स विदाउट लिमिट यू विल यू मे वर्क 8 or 10 hours रेगुलरली। बट इफ यू हैव नॉट लव, इफ यू फील लोनलीनेस, यू कैंट डू एनीथिंग। इफ यू हैव मनी बट यू आर फीलिंग लोनलीनेस देन यू कैंट बी हैप्पी, बट इफ यू हैव लव देन यू विल बी हैप्पी फ्रॉम योर इनसाइड एंड दैट हैप्पीनेस विल मेक यू मनी एंड विल मेक यू फेमस ऑल्सो। अमेजिंग। ओके, लास्ट क्वेश्चन, एनी फीडबैक फॉर मी? यू आर डूइंग रियली वेरी गुड एंड इफ यू आर फीडबैक सो ऑफकोर्स वॉट एवर यू आर डूइंग प्लीज कीप डूइंग इट एंड यू आर रियली डूइंग अमेजिंग वर्क एंड बाई डूइंग इट फॉर द लॉन्ग टाइम यू आर गोइंग टू इम्पैक्ट अ लॉट ऑफ लाइफ सो डोंट स्टॉप नेवर गेट डिसअपॉइंटमेंट एंड कीप डूइंग इट यू आर गोइंग टू डू समथिंग बेटर इन फ्यूचर ओके, समथिंग बिग। एनी एनी नेगेटिव फीडबैक जो मेरे को इम्प्रूव करना चाहिए, आपने नोटिस किया होगा कुछ तो, क्योंकि हर इंसान में कुछ ना कुछ नेगेटिव गलतियां होती है, तो अगर आपने कुछ नोटिस किया है तो मेरे को बताइएगा ताकि मैं इम्प्रूव कर पाऊँ अगले टाइम, और जो वो सेम प्रॉब्लम किसी ऑडियंस में रहेगा तो वो भी इम्प्रूव कर सकते हैं। ओके ऐसा तो अभी कुछ नहीं मैं नोटिस किया, जैसा होगा फिर तो जी,
ओके, थैंक यू सो मच फॉर दिस अमेजिंग पॉडकास्ट, अमेजिंग वर्ड्स, एंड आई हैव अ फीडबैक फॉर यू, जो है कि आप जो ये स्टेप लिए हैं ये बहुत ही बढ़िया है। इसमें आप जितना लोगों को हेल्प कर पा रहे हैं वो किसी और तरीके से नहीं कर पाएंगे, और किसी तरीके से करना पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि ये सबसे बढ़िया प्रोसेस है। आप इंटरनेट यूज कर रहे हैं और आप लोगों को वैल्यू दे रहे हैं। और मेरे मम्मी एक टीचर है, प्राइवेट ट्यूशन पढ़ाते हैं लेकिन टीचर है, तो उनको जो बच्चों का प्यार मिलता है मैंने देखा है। तो स्टूडेंट्स हमेशा आपको बहुत ज्यादा प्यार करेंगे, तो बहुत ही बढ़िया चीज है। तो प्लीज कंटिन्यू व्हाट एवर यू आर डूइंग, एंड बहुत ही बढ़िया आपका कम्युनिकेशन स्किल्स है। आप जैसे एक्सप्रेस करते हो नॉर्मली सादगी वाली भाषा में, और जो एक्सप्रेशन का तरीका है विथ स्टोरीज, विथ सम पॉइंट्स, विथ सम कोटेशन जो आप आपके वीडियोस में डालते हो, मैंने देखा है बहुत बढ़िया होता है। सो थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस, एंड प्लीज कंटिन्यू डूइंग दिस। ये आपके लिए फीडबैक था कि आप बहुत बढ़िया वीडियो बनाते हो, आप बहुत बढ़िया कंटेंट बनाते हो, प्लीज बनाते रहिए। थैंक यू सुभज्योत जी, एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर। जी रियली बहुत अमेजिंग कंटेंट रहा, अमेजिंग मुलाकात रही आपसे, जी बहुत अच्छा लगा। सो थैंक यू फॉर ऑल।